इजराइल की कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाइवेयर से जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उसके ज्यादातर ग्राहक पश्चिमी देशों से है, तो फिर इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। सच यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको बचा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए, गरीब पिछड़े महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। हालत तो इतनी बदतर की गई कि अगर महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिया तो उनका परिचय तक ना हो पाए। इस बात का प्रयास किया गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं और अपने गठन के प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। प्रथम और आखिरी भी, लास्ट भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और अब राहुल और प्रियंका वो G23 ग्रुप को निपटाने के काम में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है जो सबने देखा है। और भी इतिहास में अगर हम जाएं, कांग्रेस कोई दल तो नहीं बचा, कांग्रेस दलदल हो गया है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार भी खुद ही चलाते थे। मैं कांग्रेस कैसे जासूसी करती है इसके और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं और वो भी गुपचुप तरीके से जाते हैं। काय के लिए गए थे पहले राहुल गांधी बताएं, गुपचुप क्यों गए, देर रात को क्यों गए? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके, देश में नहीं विदेश में जाके देश की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांगते हैं। यूपीए की सरकार में हर महीने 9000 फोन टैप किए जाते थे, 9000 फोन टैप किए गए। 9 जनवरी 2006 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। सीताराम येचुरी जी
जयललिता जी, सीवी नायडू जी, इनने यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे कि फोन टैप सरकार ने नहीं, एक प्राइवेट एजेंसी ने कराए हैं। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था। 26 अप्रैल 2010 को फोन टैपिंग का मामला संसद में उठा था, तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब दा, उन्होंने कहा था इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पक्ष रखेंगे। विपक्ष ने इस मामले में जीपीसी की भी मांग की थी, मनमोहन सरकार ने उसको खारिज कर दिया था। 22 जून 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री भारत में बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए आदरणीय प्रणब दा, उनकी एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें पीएम को चिट्ठी लिखकर अपने दफ्तर की बगिंग के बारे में एक सीक्रेट जांच कराने का अनुरोध प्रणब दा ने किया था। खास बात यह थी कि इसका ठीकरा उन्हीं के कैबिनेट के एक सहयोगी के सिर पर था। और दिलचस्प बात यह भी रही कि डी बगिंग करने यानी जासूसी के उपकरण को निकालने का जिम्मा आईबी की जगह सीबीडीटी को सौंपा गया। 22 मई 2011 को यूपीए सरकार ने सीबीडीटी को फोन टैपिंग जारी रखने का आदेश दिया और 23 जून 2011 को सीबीसी के चेयरमैन एल दत्त ने डीआरआई पर अपने फोन टैप करने का आरोप लगाया। अब एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। सचमुच में सच तो ये है कि जासूसी कराने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो अपने सहयोगियों के फोन भी टैप कराते थे। अब जाकी रही भावना जैसी आरोप हम पे लगाते हैं, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। और स्वयं पेगासस ने इसका खंडन करते हुए कोर्ट में भी मामला ले जाने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस के इस तरह के आरोपों का न केवल पुरजोर खंडन करता हूं, बल्कि इस तरह के कृत्य के लिए उनकी निंदा करता हूं। वो काय को जारी नहीं कर रहे, उनके पास तो हर चीज़ों की लिस्ट रहती है। अच्छा, आजकल दिग्विजय सिंह के पास भी लिस्ट रहती है, दिग्विजय जी के पास भी, और कमलनाथ के पास भी लिस्ट रहती है। अब सब चीज़ों की लिस्ट है, पेन ड्राइव उनके पास है, पेगासस की लिस्ट उनके पास है, तो एक तो वो क्या है ये बता दें, वो कहाँ से लाते हैं और कहाँ से जासूसी कराते हैं, और है तो जारी करें, केवल कहते क्यों है कि हमारे पास है।